मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा भाई क्या कर रहे हो तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है मैंने कहा क्या हुआ उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक ख़रीदे और उसने बहुत सारे उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे मगर मैंने सोचा कि वो सैलरी क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ टीवी पे देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो और जो हाँ। जो रिलेटिवली फाइनेंशली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें वो अभी वैक्यूलेट कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी रिस्क होता है तो हाँ। इसके इसके बारे में आपकी क्या राय है हाँ। जो रिटेल इन्वेस्टर है बिल्कुल नया है और मतलब हाँ। थोड़ा सा पैसा है उसके पास वो पूरा का पूरा का इसमें डाल रहा है ज़रूर वो समझते हैं नहीं है वो देख रहे हैं कि इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा है तो इसमें हम पैसा डालेंगे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एनालाइज नहीं करते कि रिटर्न क्यों है कहाँ से आया अभी आप देखते हैं अमेरिका में ये जो क्रिप्टो करेंसी का प्रॉब्लम है वहां पे भी रिटर्न बहुत ही ज्यादा था बिटकॉइन uh, uh, दो तीन पैसे के के लिए बिकता था सिक्सटी सेवन थाउजेंड तक uh, पहुंच गया अरबपति बन गए बहुत सारे तो और अभी हो अभी, गरीब <laughs> फिर से हो गए ना क्योंकि आ, उसके बाद गिरा है और ज्यादातर गरीब लोग वो तब खरीदते हैं जब सिक्सटी सेवन थाउजेंड डॉलर पे है मतलब और फिर वो देखते हैं कि बस गिरता रहता है क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं वो तब बेचते हैं आ, और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है जिस जिनके पास वो फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन नहीं है वो तब खरीदते हैं मगर ये ये जो प्रॉब्लम है इन्फॉमेसन का प्रॉब्लम ये मैं, हमने स्टॉक मार्केट की बात की मगर ये इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम मुझे लगता है मतलब सड़कों पे चल के मैं मैं सुन रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम बहुत गहरी है ख़ासतौर से गरीब लोगों में किसानों में गरीब लोगों में जरूर उ, उनको इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है दी नहीं जाती है इसलिए हम कहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए हुँ, हुँ. कि आ, उनको बताना चाहिए ये तुम्हारे हक है दीज आर योर राइट्स एंड जो uh, बेचते हैं दे कैन नॉट वायोलेट दीज राइट आई नाइस यू नॉट एंजॉय दिस

और अगर आप सोचेंगे आ, कोई कह रहा था कि आपने एक भाषण में ये कहा था कि विच हाउस कैन स्टैंड व्हेन द ब्रदर्स आर फाइटिंग इट कांट दे हैव टू बी यू हैव टू हैव इंटरनल हार्मनी टू हैव एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये काफी लोग कह रहे हैं हाँ वी कैन फाइट इंटरनली वी विल सप्रेस दिस माइनॉरिटी सप्रेस दैट एंड वी विल बी स्ट्रॉन्ग आउटसाइड नहीं हो सकता है जब बहुत सारे किसान मुझे कहते हैं कि जैसे ही उनकी फसल आती है वैसे ही कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी को ट्विक कर देती है और उनके दाम उसी दिन गिरते हैं जब उन, उनकी फसल उनके हाथ में आती ये है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम कहते रहते हैं कि हम किसान के लिए हैं लेकिन जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है और इम्पोर्ट पॉलिसी है वो मिडिल क्लास के लिए वो सिटीज में अर्बन मिडिल क्लास के लिए बनता है अगर आ, प्याज का दाम बढ़ जाता है तो हम इंपोर्ट करते हैं और बेचारा फार्मर जो किसान है उनके लिए दाम तो गिरते हैं तो आ, मेरे ख्याल में एक स्टेबल पॉलिसी होना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाँ अगर दाम इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंपोर्ट तो कर सकते हैं ये जो एक्सपोर्ट मैंस हैं वो नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्सपोर्ट मैंस तो किसान के खिलाफ है अगर आप किसान को कहते हैं कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में उनको बेचना पड़ता है और दाम तो कुछ नहीं मिलता सो हाउ डज वन थिंक अबाउट दिस अनएम्प्लॉयमेंट इशू बिकॉज इट्स इट्स एवरीवेयर यू नो आई स्पीक टू किड्स एंड आई आस्क देम व्हाट यू वांट टू डू एंड दे ओनली आंसर फाइव फाइव थिंग्स यू नो लॉयर डॉक्टर आई ए एस मिलिट्री इंजीनियर एंड सो द इमेजिनेशन इज फॉर मोस्ट किड्स इन इंडिया इज दैट वी कैन ओनली डू दीज फाइव थिंग्स नहीं बेरोजगारी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हुँ. और बात यह है कि लोग आ, सिर्फ आ, सरकारी नौकरी चाहते हैं हुँ. क्योंकि उसमें पेंशन है ये है वो है और सिक्योरिटी है हुँ. और वो ढूंढते हैं इम्तहान लेते रहते हैं हुँ. और आ, आप जानते हैं कि बहुत ही कम लोग आ, सरकार में काम कर सकते हैं है? आ, अगर आप पूरे जो नौकरी है सरकार में आ, आप उनको अगर ओपन भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक परसेंट दो परसेंट वहाँ पे एम्प्लॉय हो जाएंगे तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना है क्योंकि वहाँ पे नौकरी रोजगारी आगे बढ़ा सकते हैं वहाँ पे और एक तो प्राइवेट सेक्टर एक एग्रीकल्चर में अ, अगर हम टेक्नोलॉजी ले आते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर भी नौकरी पैदा हो सकते हैं और ये जो फॉर्मल सेक्टर है हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं ये पीएलआई स्कीम वगैरह लेकिन हमें सर्विसेज को भी देखना है कि क्योंकि सर्विसेज में नौकरी काफ़ी ज़्यादा नौकरी पैदा हो सकती है और आप पहले कह रहे थे कि अब एक नए तरीके की सर्विसेज की नौकरी आ रही है ज़रूर आजकल ये जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं वो पहले अमेरिका में बेचते थे अपने सर्विसेज और इंडिया में बैक ऑफिस का काम करते थे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये वो आजकल वो इंडिया में कंसल्टेंट्स एम्प्लॉय कर रहे हैं वो कंसल्टेंट्स गंसुर्ट काम कर रहे हैं जैसे कि वो अमेरिका में हैं और प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं जूम पे दे आर एक्चुअली एज इफ दे आर वर्किंग इन अमेरिका विच मच हायर सैलरी बट इसके लिए इसके लिए अंग्रेजी की जरूरत है अंग्रेजी की जरूरत है और हायर एजुकेशन की जरूरत है और हायर एजुकेशन के लिए प्राइमरी एजुकेशन चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए तो अभी आप जानते हैं ये पैंडमिक हुआ है और काफ़ी सारे बच्चे अभी स्कूल नहीं गए दो साल के लिए नहीं गए uh, ना सिर्फ uh, सीखे नहीं दो साल के लिए लेकिन भूल भी गए तो uh, अभी देर थ्री इयर्स बिहाइंड देर क्लास टाइम ज़ाया हो गया हाँ तो अब क्या करेंगे हम उनको वापस ले आते हैं में हिंदुस्तान में एक और हो रही है। चार पाँचपति mm. और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है जो किसान है गरीब लोग हैं उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है mm. और फिर ये पाँच छः दस पंद्रह लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है mm. एक के सपने पूरे हो रहे हैं एक के सपने नष्ट हो रहे हैं तो ये इनिकवालिटी जो बढ़ रही है इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सिर्फ वो इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं है ये जो अपर मिडिल क्लास है वो उनका तो आय बढ़ गया है पैंडमिक में क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे और जो गरीब लोग हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ता था और फैक्ट्री बंद हो गई तो म, मासिक आय नहीं आई उनको तो आ, ये डिवाइड जो है पैंडमिक में बढ़ गया और जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ग्रे ये राशन में उनको सब कुछ मिलता है जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है जो बीच में है ये लोअर मिडिल क्लास जो है उनको काफ़ी नुकसान हुआ नौकरी तो बंद हो गई आ, बेरोजगारी बढ़ रही है आ, कर्ज बढ़ रही है वो कर्ज ले रहे हैं ब्याज दर अभी बढ़ रही है तो उनका तो काफ़ी नुकसान हुआ है और उन उनकी तरफ हमें देखना है और जो नीति हम बना रहे हैं उनके लिए बनाना चाहिए क्योंकि दर्द वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ये भी है कि आ, आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है आ, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का उसको भी देखना है आ, हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं लेकिन कंपटीशन के लिए हम हमें आ, लड़ना है मतलब मतलब मनोपली के खिलाफ हो सकते हैं मनोपली के खिलाफ हो सकते हैं लेकिन कैपिटलिज्म तो ये जो छोटे बिजनेस हैं वो भी आ, अच्छे हैं हुँ, देश हुँ, के लिए बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं लेकिन मनोपली अच्छा नहीं है। रोज़गार एग्रीकल्चर सेक्टर से भी मिल सकता है तो उसमें फूड प्रोसेसिंग है उसमें कोल्ड चेन है उसमें आ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट है वो सब है तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी हो सकता है आपका कहना है सेकंड ग्रीन एक नए तरीका का ग्रीन नए तरीके का वेजिटेबल्स मिल्क डेरी प्रोडक्ट्स पोल्ट्री ये सब हो सकता है और प्रोसेसिंग करना है यहाँ पे क्योंकि यहाँ या, का लेबर यूज करना चाहिए और खेत के पास खेत के पास और मेरे ख्याल में उसका भी एक ग्रीन कंपोनेंट है अगर आप सब ये प्रोसेसिंग खेत के पास करते हैं जो आप इधर उधर बेच देंगे उसका वेट भी काफी कम हो जाएगा ना तो इसलिए एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो जाएगा और अगर हम आगे देखेंगे तो एनर्जी कंजम्पशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और उसको कम करना चाहिए और, और यूएस में क्या हो रहा है यूएस में यूएस में, यूएस तो, में और आ, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है अभी वहां पे तो महंगाई तो बढ़ रही है काफी ज्यादा और महंगाई कम करने में आ, ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं वाक का आरबीआई फेडरल रिजर्व या यूरोपियन सेंट्रल बैंक और इसलिए ब्याज दर बढ़ा रहे हैं और आ, उससे तो आ, उत्पादन की गति तो कम हो जाएगी और आ, इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे आ, अगले साल तो आ, उससे तो एक्सपोर्ट्स तो काफ़ी कम हो जाएंगे और हमारा ग्रोथ हमारा उत्पादन की गति भी काफ़ी कम